उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में खूनी सड़क मटकोटा दिनेशपुर मार्ग में दुर्घटना में प्रतिदिन कोई ना कोई युवक जान से जा रहा है। आज एक युवक की दिनेशपुर मटकोटा मार्ग में सड़क बने गड्ढों को बचाने के कारण ट्रक के नीचे आ गया और युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दिनेशपुर मटकोटा सिडकुल मार्ग में प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। आज एक युवक जिसका नाम सुभाष तरफदार अपने मित्र के साथ निजी काम से रुद्रपुर जा रहे थे, सड़क पर खड्डे को बचाने के चक्कर में डंपर के नीचे आ गए। घटनास्थल पर युवक की मौत हो गई, दूसरे की स्थिति गंभीर है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। उसको मोर्चरी की तरफ भेजा, हम बाकी कानूनी कार्रवाइयाँ होंगी। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक ठीक तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि होने के नाते यहाँ के विधायक जी, सांसद जी, मैं तो यही कहूँगा कि खाली ये घटना, इससे पहले भी कई मौतें हो चुकी हैं, इस सड़क ने कई लोगों की जान ली है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं लोग जिम्मेदार हैं। मैं माननीय, क्योंकि इनके ऊपर तो भरोसा रहा नहीं, तो मैं आपके माध्यम से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सड़क को तत्काल ठीक करें। मैं ये नहीं कहता कि आप एकदम पुनर्निर्माण कर दो, अरे कम से कम गड्ढे भरना है तो गति से भरवाओ, उसके बाद पूरे एक परत बिछनी चाहिए, बढ़िया हो सड़क। ये सड़क एक ऐसी सड़क है, रुद्रपुर का बाईपास बन गया है ये, देहरादून के ये जो सिटकुल से जो बड़ी आपने देखा होगा ट्रक वगैरह जो बनता है, हैवी ये जो लोड वाली गाड़ियां आती हैं, ये सारे इन लोग ये इसी रोड का यूज़ करते हैं। आप मैं तो समझता हूँ रुद्रपुर से गदरपुर के बीच में जो है नेशनल हाईवे है, उसमें इतना भीड़ नहीं है, उसमें इतना लोग वो सड़क इतना बिजी नहीं है जितना हमारा ये दिनेशपुर का ये मार्ग इतना बिजी है। तो इसको तत्काल और चौड़ी भी होनी चाहिए, इस चौड़ाई से नहीं चलेगा, लोगों का फुटपाथ है नहीं, मोटरसाइकिल वाले कहाँ जाएं, इधर से एक गाड़ी आया इधर से एक गया, तो ये जो मोटरसाइकिल वालों के तो जान पे ये रहता है कि दबा ना दे दबा ना दे। फिर चूंकि ग्रामीण क्षेत्र है, वो औद्योगिक क्षेत्र है सामने, तो डंपर को भी आप रोक नहीं सकते, डंपर रोकोगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा भाई। ईटे भी चाहिए, रेता भी चाहिए, सारे कुछ चाहिए ना, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इसका संज्ञान लें और तत्काल इस रोड को सही कराएं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।